नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज के इस दौर में हर आदमी का एक सपना है कि उसके पास भी एक छोटा सा घर और घर के बाहर एक अपनी कार खड़ी हो। लेकिन महंगाई के इस दौर में लोग घर तो बड़ी मुश्किल से खरीद ले रहे हैं, लेकिन कार लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। कार ले तो ले, लेकिन हर दिन पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत उन्हें परेशान और डरा देती है। अब आपको अगर कार लेना है तो तैयार हो जाएं, क्योंकि टाटा मोटर्स जल्द ही भारत में अपनी मेगापिक्सल कार लॉन्च करने जा रही है। इस कार को इस तरह से बनाया गया है कि यह कार 1 लीटर में 100 किलोमीटर का माइलेज देगी। साथ ही इसमें फीचर काफी एडवांस होंगे। आपको बता दें कि टाटा ने इस कार को 82वें जिनेवा मोटर शो में पेश किया था। ये साल 2019 तक भारतीय बाजार में लॉन्च की जा सकती है। टाटा अपनी इस कार को मेगापिक्सल के नाम से बाजार में लॉन्च करेगा। इस कार को आम आदमी भी खरीद सके, इसलिए इसकी कीमत को भी उसी के अनुसार रखा गया है। इस कार की कीमत 1 से 2 लाख रुपए के बीच होने की संभावना है। बता दें कि यह कार 4 सीटर होगी और इस कार मेगापिक्सल में 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रति किमी उत्सर्जन होगा। इस कार में 1 लिथियम आयन फास्फेट बैटरी और चलती कार में रिचार्ज के लिए पेट्रोल इंजन जनरेटर लगा है। कार 100 किमी लीटर का माइलेज देगी। अगर आप लंबे समय से कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए यह एक अच्छा मौका है।